इन दिनों जलगांव में पीने का पानी जो महानगर पालिका की ओर से दिया जाता है वह लगातार गंदा आ रहा है। जलगांव के कई इलाकों में लोग शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन स्थिति नहीं सुधरने के बाद अब शिवसेना फिर से रास्ते पर उतरने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर जलगांव महानगर शिवसेना की ओर से जलगांव के मनपा आयुक्त को एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें खराब आ रहे पानी से संबंधित समुचित जानकारियां दी गई है। काल आमचे सगळे प्रभागातले वेगवेगळ्या प्रभागातले सगळे शिवसैनिक त्या त्या प्रभागांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी टाके आहेत त्या त्या ठिकाणी स्वतः जाऊन त्या ठिकाणची पाहणी केली व आम्ही सगळेजण मिळून सर शिवसैनिक मिळून आज त्या संदर्भामध्ये आयुक्तांना निवेदन दिलं। आयुक्तांनी आश्वासन दिलंय की लवकरात लवकर त्या ठिकाणची टाक्यांची साफसफाई करून जळगाव शहराला स्वच्छ व चांगल्या पद्धतीचं पाणी त्या ठिकाणी मिळेल। शिवसेना के नेताओं का मानना है कि आयुक्त जल्द ही इस पर कोई एक्शन लेंगे और जलगांव की जनता के आरोग्य से खिलवाड़ करने वाली इस यंत्रणा को सुधारा जाएगा। देखना है कि हमेशा देर से ही जागने वाला प्रशासन शिवसेना के निवेदन के बाद कब तक जाग पाता है। इस दौरान वहां शिवसेना के गजानन मालपुरे, सुनील महाजन, चेतन सिरसाले समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही थी। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक कुछ नहीं बोलती है, सब एप्स जिम ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? 12,900 में पूरे साल की मेंबरशिप मिल रही है ना? यस, एप्स जिम में 12,900 में ईयरली मेंबरशिप पाए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव।